सलाम और जय हिंद। मैं तेलंगाना के तमाम उन प्रोटेस्टर्स, उन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, वुमेन एक्टिविस्ट, यूनिवर्सिटीज, इन तमाम को जहां पर HCU है, मानू है, उस्मानिया है और दिगर हमारे तमाम तेलंगाना के रियासत के यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या युवाएं हैं और साथ ही साथ अभी तक मिलियन मार्च के कन्वेनर टी जैक मुश्ताक मलिक साहब और दिगर AIMIM एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिनका 16 को यानी कि कल एक प्रोटेस्ट रैली वो लोग निकाल रहे हैं, उन तमाम को लेते हुए जहां पर 40 ऑर्गेनाइजेशन जो मिलियन मार्च में इन्वॉल्व थे और हाल ही में यानी कि बिल्कुल 2 रोज़ पहले टोली चौकी पे जो वुमेन एक्टिविस्ट जो बिल्कुल मेरे साथी हैं, जहां पर खालिदा परवीन जी हैं और शीबा मीनाई है जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था या नोटिसेस भेजे थे, और ऐसे दिगर बहुत सारी ऐसी वुमेन एक्टिविस्ट हैं जो मुसलसिल कंटिन्यूस CAA और NRC को लेकर वो प्रोटेस्ट अपना जारी रखे थे। कई ऐसे बच्चे हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लीडर्स हैं। मैं उन तमाम को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम 2-4 दिन से लगातार देख रहे हैं कि पुलिस की वजह से या पुलिस इस तरीके से बिहेव कर रही है, एक फियर का माहौल या डराने का माहौल पैदा कर रही है केसेस करके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो राइट है आर्टिकल 19 के तहत कि प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, चाहे वो अकेले हो या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लेके हो, लेकिन साइलेंट वे में विदाउट एनी परमिशन, जहाँ पर हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, तो उसके तहत हम कर सकते हैं। क्योंकि इस माहौल को गर्म रखना या एहतजाज को बिल्कुल लीड करने में हम सब ने साथ दिया था, बस उसी मूवमेंट को हमको फिर से यानी कि तेज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हमारे राष्ट्र के या मुख्यमंत्री KCR साहब कोई ऐसा डिसीशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हालांकि ये सुनने में, ये देखने में आ रहा है कल से कि महमूद अली साहब जो कि होम मिनिस्टर है, KTR साहब जो कि IT मिनिस्टर है, उनके ज़बान से हम लोग ये सुन रहे हैं या उनके ज़रिए ये बात अफवाह में यानी कि वायरल हो रही है कि ये लोग भी यानी कि TRS गवर्नमेंट भी यानी कि NDA गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, उनके जो काले कानून के ख़िलाफ़ है। नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा कह रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक के अल्फाज इनके ज़बान से क्यों निकल रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ हुकूमत तेलंगाना के जो मिनिस्टर्स हैं KTR साहब और महमूद अली साहब को कि आप जनता के डिमांड आपके ज़बान से क्यों निकल रहा है? आप तो इख्तदार पे हैं, आप अथोराइज पोजिशंस पे है, आप अपने CM को कहिए कि जहां पर इमीडिएटली रेजोल्यूशन टेबल किया जाए और इसके ऊपर एक ऐलान हो जाए कि हमारी रियासत के मुख्यमंत्री भी अपोज कर रहे हैं CAA को और NRC को लेकर, या आगे जो NPR की कार्रवाई है, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ CAA, इसको रोकने की मांग को लेकर एक रेजोल्यूशन या एक मेमोरेंडम ऑफ टेबल कीजिए। मैं यहां से यह अपील करना चाहती हूं और दिगर तंजीमों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस जंग को जारी रखेंगे। क्योंकि जब तक ये जंग जारी नहीं रहेगी, शायद मैं समझती हूँ कि ये लोग ऐसे ही खामोश रहेंगे। इसलिए इनकी खामोशी को तोड़ने के लिए और अवाम के डिमांड को मुकम्मल करने के लिए हमको आवाज़ उठाते रहना है, और बेखौफ होकर उठाइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजाज़त दे चुका है। रिसेंटली यानी कि कल की बात है, जहां पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद या रावण जो कि अरेस्ट हुए हैं, 14 दिन के रिमांड में भेजे गए थे, जहां पर दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पब्लिकली, तो वहां से भी एक जजमेंट आता है कि बिल्कुल हक है हमें प्रोटेस्ट करने का। लिहाजा खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तो परेशान करेगी, क्योंकि पुलिस जाहिर सी बात है कि दबाव में हुकूमतों के, तो हम अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेंगी। ऑल आर वेलकम, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।